हेलो, वेलकम बैक न्यू वीडियो गाइस। मैं बनाने जा रही हूँ मेवा की कतरी। तो मेवा की कतरी बनाने के लिए गाइस मैंने लिए हैं मखाने और गरी के लच्छे, जो इस तरीके से गरी से मैंने काट लिए हैं, और बादाम, काजू, किशमिश और छुआरे को काट लिया है। और एक कटोरी लिया है मैंने गोंद, आधा गरी का गोला, इसको कद्दूकस कर लेंगे, और लिया है गरी का बुरादा। सो गैस, आपने कहा था गरी का बुरादा किसे कहते हैं, तो जो गरी का गोला जो होता है तो उसको जब कद्दूकस करते हैं तो ये बुरादा कहलाता है। तो ये गरी के लच्छे हैं, तो मैंने लच्छे ले लिए हैं थोड़े से बड़े वाले, और इस गरी को जो है आप चाहे तो कद्दूकस से कर सकते हैं या चाकू से काट सकते हैं। तो गैस चलते हैं। तो मैं मावा की कतली बनाने की रेसिपी इस तरीके से बनाएंगे। तो गैस मखाने को छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे इस तरीके से। मखाने को छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं, और जो बादाम और काजू को मिक्सर के जार में डाल देंगे, और इसमें लिए हैं किशमिश, बादाम और काजू मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। बस हल्का सा रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं चलाना है, पर थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है। तो गाइस काजू, किशमिश और बादाम को इस तरीके से दरदरा मिक्सर में बस ऑन ऑफ करके इसको ग्राइंड करना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा ही रखा है मैंने इसको। अब क्या करेंगे गाइस, चलते हैं गैस की तरफ। तो गाइस कढ़ाई में मैंने मखाने डाल दिए हैं, और मखाने को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो घी गाइस मैंने घर में बनाया है, होममेड ही है ये। अगर आपको घी की वीडियो चाहिए हो तो आप बताइएगा, होममेड घी आप किस तरीके से घर में निकाल सकते हैं, इतना फ्रेश घी निकला है, और कमेंट में बताइएगा गाइस। और इस तरीके से मखाने को फ्राई कर लेंगे। तो गाइस मखाने फ्राई हो चुके हैं, मखाने को निकाल देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। मखाने करारे हो चुके हैं, और इसीलिए गैस को ऑफ करने के बाद करी के लच्छे हैं वो इसमें डाल देंगे, छुआरा डाल देंगे। और जो मैंने करी के लच्छे लिए हैं वो डाल देंगे। गैस को ऑन नहीं करना है, बस कढ़ाई गर्म है, बस इसकी नमी को खत्म करना है। ये गर्म हो चुका है, गैस को ऑन नहीं करनी है, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। हम इसको भी निकाल लेंगे। तो गाइस मखाने और गरी के लच्छे फ्राई हो चुके हैं, और जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया है वो भी इसी में डाल देंगे। बादाम, काजू और किशमिश इसी कढ़ाई में इसको डाल देना है, बस अपने आप ही गर्म हो जाएगा। कढ़ाई बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये भी हल्का रोस्ट हो चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे। तो गाइस बादाम का चूरा भी इस तरीके से निकाल लिया है, बादाम और काजू का, और गरी के लच्छे और मखाने। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में। ऑयल गर्म हो चुका है, अब बारी है गोंद की। अब गोंद को तलने के लिए गाइस ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट रखना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालना है इस तरीके से, वो भी इस तरीके से चारों तरफ फैला कर ही डालना है। और ये आप देख सकते हैं कि गोंद अच्छे से तल जाता है, और तलने के बाद अगर एक भी टुकड़ा रह जाएगा तो दांतों में फंसेगा। तो इस तरीके से गोंद को निकाल लेंगे। तो गाइस गोंद की वीडियो आपको कैसी लगी, इस तरीके से गोंद आप फ्राई कर सकते हैं। तो सारी गोंद को निकाल लेंगे, और गोंद की उसी में रख लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालना है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक साथ डाल दिया था, तो एक साथ मिक्स हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे, अब इसको अलग अलग कर देंगे।
निकालेंगे और इसमें से कढ़ाई से ऑयल निकाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से गोंदा फ्राई कर सकते हैं। तो गाइस इसी कढ़ाई में डालेंगे एक गिलास पानी, गैस को ऑन करेंगे और मैंने ले लिया है एक गिलास पानी और उसमें पानी डाल देंगे। अब बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए लेंगे चीनी और चीनी क्वांटिटी से अपनी ले सकते हैं। एक कटोरी चीनी मैंने ली है। तो गाइस डेढ़ कटोरी चीनी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको चलाएंगे। और जो मैंने मेवा को फ्राई किया था अब वो इसमें चाशनी में डालेंगे। तो गाइस इंतजार है चाशनी का, मिलते हैं चाशनी बन जाने के बाद। तो गाइस दो तरह की चाशनी बनानी है। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि चीनी मैंने जो डाली थी वो खोलने के बाद जो चारों तरफ इस तरीके से ये जमने लगती है और इसको चलाएंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी एक तार छूट रहा है इसमें से। और ये पानी में डालकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि चाशनी परफेक्ट बनी है या नहीं। तो गाइस इसमें थोड़ा सा ले लेंगे कटोरी में पानी और ये चाशनी को चलाएंगे। चलाने के बाद तो गाइस देख सकते हैं कि ये जमने लगी है। ऑलरेडी इतनी गर्म है, गर्म की वजह से पानी में डालते ही पिघल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये डालते ही ये जमने लगी है। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से चाशनी परफेक्ट तैयार हो गई है दो तार की। तो ये आप देख सकते हैं इसमें से दो लेयर निकल रही है, एक लेयर निकल रही है किधर। तो ये दो तार की चाशनी परफेक्ट हो गई है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और जो मैंने मेवा पागी थी तो वो इसमें डाल देंगे। तो गरी मिक्स मेवे की कटी मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से गाजा बना सकते हैं। तो गैस को ऑन करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इस तरीके से जब चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के चारों तरफ चाशनी की लेयर जमने लगती है। तो ये परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो दो तार की चाशनी से पागेंगे आप तो मेवा आपकी परफेक्ट पककर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने चला लिया, गैस को ऑफ कर देंगे और जो मैंने थाली ली है इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसके चारों तरफ ग्रीस कर देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है, अब इसको निकाल लेंगे और थाली में डाल देंगे। और बराबर बराबर कर देंगे। और इसको भी निकाल लेंगे। सो गाइस आप इस तरीके से मेवा की कतली को पाक सकते हैं। अब इसको करछली से, ऑलरेडी गर्म है, गर्म ने हाथ से अगर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से करछली से कर देंगे और आप जब चाकू लेंगे, चाकू से जब इसको करछली से जब कुलचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट इसकी चाशनी बनकर तैयार हुई है। तो आपका अंदाज़ा लग सकता है कि कतली मेरी कैसी बनी होंगी, ये जमने लगा है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से थपथपा देंगे। थप्पी लगाने से गाइस क्या रहता है कि बिल्कुल परफेक्ट आपकी मेवा पककर तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से आप गाइस बना सकते हैं और खाइएगा। तो ये जन्माष्टमी में भी मेवा की कतलियों को पाका जाता है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। तो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अब इसको रख देते हैं पंखे के नीचे। पंखे के नीचे रखने के बाद जब ये अच्छे से जम जाएगी तब इसको कटिंग कीजिएगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। आप गाइस कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब इसको रख देती हूँ पंखे के नीचे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जब ठंडी हो गई है तो अभी कतली को काटेंगे। सो गाइस कतली को इस तरीके से काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी हार्ड बनी है और कतली बिल्कुल परफेक्ट जमकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं मेवा की कतली। अब इसको इस तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से। सो गाइस कतली बनकर तैयार हो गई है। तो आपको कतली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी आप देख सकते हैं इस तरीके से मेवा की कतली परफेक्ट बनकर तैयार हो गई। तो गाइस एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।